अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहां भी रहें खुश रहें। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही प्यारा डिजाइन ट्राउजर का, बहुत ही खूबसूरत नहायती इजी डिजाइन, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो आपने मेरी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुकरम ले लिया है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने अपने पोंछे के मुताबिक रखी है, आपने अपने पोंछे के मुताबिक रखनी है। इसके नीचे मैंने कपड़ा भी पेस्ट कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेना है और ये निशान से लेके इस कोने तक ये निशान को मैंने सीधा कर लेना है। तो ये मेरा जो स्केल है ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैं इस तरफ भी निशान लगा लूंगी, ऐसे ही 1 इंच रख के मैं निशान लगाती जाऊंगी। अब ऐसे ही 4 इंच यहाँ पे 4 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी और ऐसे ही ये वाले निशान को हम इस कोने तक सीधा कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी लाइनें लगा लेंगे 1-1 इंच के फासले पर। तो प्यारी बहनों, अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम जरा मैं डार्क कर देती हूँ। अब हम जिस पे हम निशान हमने लगाए हैं इनको हम काट लेंगे दरमियान से ऐसे। इसको अब हम ऐसे मोड़ देंगे, पहले अच्छी तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको अब हम इस तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी, टक लगा के यहाँ पे इसको फोल्ड कर लूँगी। तो प्यारी बहनों, ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब हमने इसको इस तरफ फोल्ड कर देना है और गम की मदद से हमने कपड़े को फोल्ड कर देना है। इस पे अब हम एक दफ़ा इस्त्री फेरेंगे तो ये गम की मदद से ये जुड़ जाएंगे। गम से मैं इस पे इस्त्री फेर दूंगी तो ये जुड़ जाएंगे। फिर ये देखें ऐसे। तो प्यारी बहनों, ऐसे ही मैं सारे फोल्ड कर लूंगी। तो प्यारी बहनों, ये देखें मैंने ये सारी कपड़ा फोल्ड एक दूसरी तरफ कर लिया है, सारे मैंने ये बना लिए हैं। अब मैं ये मेहरून कलर का कपड़ा लूँगी जो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट किया है। इसको मैंने इसके ऊपर रखना है ऐसे। प्यारी बहनों, ये मैंने इसके नीचे कंट्रास्ट कपड़ा लगा लिया है, इधर भी सिलाई लगा ली और इधर भी लगा ली है। अब ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं इनके अब हम साइड पे सिलाइयाँ लगा देंगे सारे के। तो प्यारी बहनों, ये मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये जो धागे नज़र आ रहे हैं एक्स्ट्रा, ये हम यहाँ से सारे साफ़ कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं काट दूँगी। तो प्यारी बहनों, अब मैंने अपने ट्राउज़र को लिया है, ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे, इसको अब हम उल्टा रखेंगे और बिल्कुल ये वाली सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सीधा कर लिया है, आप चाहें तो इधर भी लेस लगा सकती हैं। ये जो हमने सिलाई लगानी है यहाँ पर, अगर आपने लेस नहीं लगानी तो हम यहाँ पर सिंपल टॉप स्टिच लगा देंगे, यानी कि बड़ा टांका लगा देंगे यहाँ पर। तो ये वाली हमारी लेस पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मोरी के नीचे पट्टी लगानी है वो हम तैयार करेंगे। तो प्यारी बहनों, ये देखें मैंने यहाँ पे 1.25 इंच मैंने चौड़ी है बुकरम ली है। बुकरम को मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो मैंने पोंछे जितनी ली है और इसको जब मैंने कपड़े पर पेस्ट किया है तो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया है, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया है। और ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैंने अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड किया है। और अब हम इसको ऐसे खोलेंगे पट्टी को और पोंचे को इसके अंदर रखेंगे और फिर हमने ऐसे इसको बंद कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है।
मेरी बहनों पट्टी मैंने इस पे लगा दी है मोरी पर। अब मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। तो प्यारी बहनों मैं यहाँ पे एक दफ़ा और लेस लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे लगाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे ये मोरी का डिज़ाइन लेस लगा के। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने एक दफ़ा लगानी है तो एक दफ़ा भी लगा सकते हैं, अगर आपने एक दफ़ा भी नहीं लगानी वो भी आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन लेस लगाने से खूबसूरती बहुत ज़्यादा आ जाती है ट्राउज़र पर। तो प्यारी बहनों अब मैं यहाँ पर मोती लगाऊँगी। हमने दोनों लाइन पे ऐसे ही मोती लगा लेने हैं। तो प्यारी बहनों ये देखिए मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम ऐसे ही ये वाली लाइन पे लगा लेंगे मोती। तो प्यारी बहनों मैंने यहाँ पे मोती लगा लिए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। आप भी इसको अपने ट्राउज़र पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्यारी बहनों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।